कोरोना काल में जब सारे रूल्स दुनिया भर में चेंज हो रहे थे, वहीं क्रिकेट ग्राउंड पर भी कई सारे रूल्स जो हैं वो चेंज हुए। और सबसे बड़ा नियम था कि कोई भी प्लेयर सलाइवा यानी कि अपनी थूक का इस्तेमाल करके गेंदबाजी नहीं करा सकता था। वहीं समय एशिया कप 2022 चल रहा है और एक बार फिर से क्रिकेट के कुछ रूल्स जो हैं वो चर्चा का विषय बन गए हैं। तो आपको बता दें, 1 अक्टूबर से मेलबोर्न क्रिकेट क्लब जो है वो कुछ ऐसे रूल्स लागू करने वाला है इंटरनेशनली, जिसको क्रिकेट जो है वो अडॉप्ट करेगा। तो आज इस रूल्स के बारे में हमें डिटेल में बनाएंगे अरुण, जो कि india.com के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। वेलकम सर टू india.com। तो सबसे पहला जो हमने रूल की बात करी वो है कि आप सलाइवा का इस्तेमाल करके गेंदबाजी नहीं कर सकते, तो सर इन रूल्स के बारे में आप डिटेल में बताएं। देखिए तोशी, कोविड स्टार्ट हुआ था, सलाइवा बहुत ही चर्चा में आया था। तो पहले क्या था कि इतने साल से क्रिकेट चल रही है, 19 सेंचुरी से, तब से लोग सलाइवा यूज़ कर रहे थे। कहते थे बॉल सीम होती है, इसका ज़्यादा कंडीशन अच्छी रहती है, और ये बॉल का बॉलर्स क्या करते थे, बॉलर का सीम ये शाइन जो है ये चमका के रखते थे। तो उनका मानना था कि इससे बॉल स्विंग ज़्यादा होगी, रिवर्स स्विंग होगी, एक साइड उनकी ख़राब हो जाती थी, एक साइड शाइन रहती थी। तो अब ICC ने क्या हुआ कि जब कोविड के रिस्ट्रिक्शंस आए तो आपको लार का इस्तेमाल करना बहुत ही खतरे वाला था, हेल्थ के लिए ठीक नहीं था, तो इसलिए ICC ने उसको बैन करा। तो पहले कहा कि ये जब तक कोविड एग्जिस्ट करेगा तब तक ये बैन है, उसके बाद इस नियम को वापस ले लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो ICC है या MCC है मेलबोर्न, उसने रिसर्च किया कि आखिर ये स्लाइव जो लार है गेंद पे उसका कुछ इम्पैक्ट होता है या नहीं होता। बिल्कुल। तो उसने पाया कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत बात थी, इतने साल से जो चीज़ क्रिकेट में ट्रेडिशन की तरह फॉलो हो रही थी उसका लार के इस्तेमाल से गेंद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मन की बात थी कि अच्छा ट्रेडिशनली ये हम फॉलो करते आ रहे हैं, तो हर गेंदबाज को हमने हमेशा देखा है कि बॉलिंग करने से पहले वो कुछ एक एक्शन अपने वो अपनी बॉल को चमकाता हुआ, तो अब ये ऐसा देखने को नहीं। बॉलर एक बॉल फेंकता है, कीपर के पास जाती है, कीपर स्लिप में, और वहीं से उस पे थूक लगाना स्टार्ट हो जाता है, फिर घूमते घूमते बॉलर के पास आती है, वो चमकती रहती है। आपने देखा होगा बार बार प्लेयर्स इस शाइन को करते रहते हैं। तो सिर्फ हाइजीन के लिए ये आपका इसका हाइजीन पर इसका असर पड़ता था, लेकिन गेंद में जब आप गेम खेलते हैं उस पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। देखिए ये इसी सदी के क्रिकेटर हैं जो अब तक मान रहे थे कि भाई वो लार लगाते थे तो उनको बॉल से फायदा मिलता था, स्विंग होती थी, बॉल हवा को काटता था शाइन से। लेकिन अब ICC ने अपने रिसर्च में पाया कि या MCC ने अपने रिसर्च में पाया कि ये जो लार से इस्तेमाल हो रही है इससे कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, नहीं कि कुछ इससे बॉलर को मदद मिल रही है, और बाकी अब वो पसीना लगा सकते हैं अपना पहले की तरह। अच्छा भाई, दूसरा तो इसलिए इसको नियम बना दिया है, अब कभी भी आप गेंदबाजों को लार लगाते हुए नहीं देखेंगे। वही लॉ 1 में आता है रिप्लेसमेंट ऑफ प्लेयर्स, तो इससे हम क्या समझें? हाँ, ये रूल आपने देखा होगा कई बार, जब प्लेयर के सर पे चोट लग जाती है, कंकशन सब्स्टिट्यूट बोलते हैं उसे, तो फिर प्लेयर खेलने की स्थिति में नहीं होता, नया प्लेयर आता है। तो अब तक ये था कि जो नया प्लेयर आ रहा है वो सब कुछ वैसे ही कर सकता था, बिल्कुल एक फ्रेश प्लेयर की तरह। लेकिन कुछ लिमिटेड ओवर क्रिकेट जब हम खेलते हैं T20 या वनडे, उसमें कुछ लिमिटेड होती हैं कि एक बॉलर वनडे क्रिकेट खेल रहा है 10 ओवर फेंक सकता है, T20 खेल रहा है तो 4 ओवर फेंक सकता है। तो अब MCC ने क्या किया है कि जो इस तरह की कुछ क्रिकेट में घटना घटती है उसका रिप्लेसमेंट होता है तो उसको वहीं से काउंट किया जाएगा उस प्लेयर को जहां पे दूसरा खिलाड़ी छोड़कर जा रहा है। अच्छा। मान लीजिए कोई प्लेयर 2 ओवर फेंक कर इंजर्ड हो गया, बिल्कुल, उसके बाद नया प्लेयर रिप्लेसमेंट हो रहा है तो वो सिर्फ 2 ही फेंक पाएगा, बाकी के 2 ओवर फेंक पाएगा, क्योंकि उसका जो रिप्लेसमेंट था, जो उसका पहले वाला था, वो उसका आधा काम कर चुका है। बिल्कुल। तो रिप्लेसमेंट ऑफ प्लेयर्स के अगर लॉ की बात करें, जैसा कि अरुण जी ने बताया कि अगर कोई भी प्लेयर यानी कि इंजर्ड हो जाता है तो उसको जो भी दूसरा प्लेयर रिप्लेस करने आएगा तो उसकी शुरुआत वहीं से होगी जहां से इंजर्ड प्लेयर ने एंड अपना अंत किया था। बिल्कुल बिल्कुल। भाई अगला लॉ जो कि लॉ 18 है मेलबोर्न क्रिकेट काउंसिल का, वो है बैटर्स रिटर्निंग व्हेन कॉट। तो सर इस रूल से हम लोग क्या समझें? देखिए इसकी एक झलक हम IPL में देख चुके हैं। अच्छा। अभी क्या था कि स्ट्राइक पर जो बैट्समैन है उसने शॉट ऊंचा खेला और कैच हो गया, तो जनरली क्या होता था कि 2 बैट्समैन अपनी क्रीज चेंज कर दें तो जो नॉन स्ट्राइकर है वो स्ट्राइक पे आ जाता था। अब क्या होगा कि अब कोई कैच आउट हो रहा है तो नया बैट्समैन जो आएगा उसको स्ट्राइक लेनी होगी, बशर्ते वो ओवर की लास्ट बॉल ना हो। अच्छा, जैसे कि हमने कल के एशिया कप मैच में भी ये देखा था जब इंडिया पाकिस्तान का हुआ था कि जब कैच आउट हुआ था उसके बाद जब स्ट्राइक चेंज हुई थी तो आकाश चोपड़ा ने कमेंट्री में भी बोला था कि IPL में ऑलरेडी लॉ हो चुका है और अभी 1 अक्टूबर से फिर से चेंज होने वाला है। तो इसमें तो सबसे चेंज क्या दिखेगा, अक्टूबर में होगा T20 वर्ल्ड कप। अच्छा, अभी क्या चल रहा है एशिया कप।
एशिया कप में अभी कोई कैच आउट हो रहा है, हवा में बॉल गई हुई है, दो बैट्समैन क्रीज चेंज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जो नॉन स्ट्राइक पर था वो स्ट्राइक ले रहा है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा ही सिनेरियो दिखेगा आपको, तो नया बैट्समैन आपको स्ट्राइक पे दिखेगा। हाँ, अगर वो ओवर का लास्ट बॉल है तब नया बैट्समैन को नॉन स्ट्राइक पे आना पड़ेगा, क्योंकि एंड चेंज हो जाएगा बॉलिंग का। तो ये T20 वर्ल्ड कप में एक नई चीज होगी जो हम सबको देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, ये नई इसलिए भी नहीं होगी कि हमने IPL के जो लास्ट सीजन हुआ था उसमें हमने देखा हुआ है। तो जब MCC ने ये रूल अनाउंस किया था, IPL ने उसको तुरंत अडॉप्ट कर लिया था, और ICC को टाइम लेता है, टाइम दिया था कि अक्टूबर से इंप्लीमेंट करेंगे, तो अब उसकी बारी है। बिल्कुल भाई, अगला लॉ जो चेंज होने वाला है वो है डेड बॉल का। तो अरुण जी, डेड बॉल से आदमी क्या समझे? क्या ये बॉलिंग से रिलेट करता है या फिर ये कुछ और ही अलग चीज है? क्योंकि आम जनता को डेड बॉल तो बिल्कुल भी नहीं पता। नहीं, डेड बॉल सबको पता है। डेड बॉल मतलब वो गेम का हिस्सा ही नहीं है। ओके, तो खारिज हो जाती है वो चीज। अब ICC ने लॉ बनाया कि आपने देखा होगा तोशी, कभी कभी ग्राउंड में स्पेक्टेटर्स आ जाते हैं, कोई एनिमल आ जाता है, कोई बर्ड आ जाता है या डॉग आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या है कि अगर वो गेम को इंटरप्ट कर रहे हैं तो वो डेड बॉल होगी। मान लीजिए कोई कैच हो रहा था, एक दर्शक घुस गया और उससे लगकर बॉल प्लेयर ने पकड़ लिया, तो क्यों उसे कैच नहीं माना जाएगा, उस बॉल पे कुछ भी नहीं माना जाएगा, उससे पहले बॉल तक की जो स्थिति थी वो वैसे ही रहेगी और वो बॉल दोबारा बॉलर को फेंकनी पड़ेगी। मतलब कि एक तरीके से नो बॉल हो गई, वो बॉल नहीं, नो बॉल होगा तो यानी कि एक और बॉल फेंकनी पड़ेगी, रन काउंट करना पड़ेगा, फ्री हिट मिलेगा, और वो डेड बॉल है, मतलब उसको उस चीज से हटा दिया, डिलीट कर रहे हैं वो लोग, और वहां तक तो वो बॉल मतलब कि गेम में काउंट ही नहीं होगी। जैसा कि हमने कई बार अपनी टीवी स्क्रीन्स में देखा है, कई एक्साइटेड ऑडियंस मेंबर्स या फिर कोई कुत्ता या कोई जानवर जो है वो अगर गेम में इंटरप्शन हो जाती है किसी तरीके से, तो उस बॉल को अब बिल्कुल भी वैलिड नहीं माना जाएगा। वही अब एक और रूल जो चेंज होने वाला है वो है बॉलर थ्रोइंग टुवर्ड्स स्ट्राइकर्स एंड बिफोर डिलीवरी। ओके, तो ये आप क्रिकेट में बहुत ज्यादा कभी शायद आपने देखा ही नहीं होगा, और मुझे लगता नहीं कि आगे भी कभी देखेंगे। इसमें क्या है कि एक बैट्समैन जो है जनरली स्विंग, बॉल की स्विंग किल करने के लिए आगे खड़े होते हैं, तो कभी कभी बॉलर्स ऐसा कभी देखा नहीं है, बड़ा अजीब सा लगेगा कि बॉलर बॉल फेंकने के बजाय बैट्समैन को रनआउट करने के लिए थ्रो कर रहा है। तो अगर ऐसा करता है तो अंपायर्स को नो बॉल जज करेगा। ओके, और नो बॉल करेगा तो फिर टीम पिनलाइज होगी, उसको एक रन एक्स्ट्रा होकर एक फ्री हिट भी मिलेगा। तो अब ये गलती तो आप बिल्कुल वैसे आप देखते भी नहीं है और आगे कभी शायद देखेंगे भी नहीं, क्योंकि लॉ ये अभी बन जाएगा, तो शायद ये गलती कोई अब से कर ही नहीं पाएगा। वहीं एक और लॉ 22.1 जो है जजिंग अ वाइड, इस पर क्या चेंजेस आने वाले हैं? ये आप अक्सर देखते होंगे, कल भी ऐसा हुआ था कि जब पाकिस्तानी बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार को खेल रहे थे तो वो शफल करके आगे आ रहे थे, तो अंपायर ने वाइड भी दिया था, हालांकि नियम ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, वाइड होती नहीं है जब बैट्समैन अपनी क्रीज पे मूव कर रहा है, तो उसको अंपायर जब नापता है, वाइड का मार्क होता है क्रीज पे ना, तो उससे बाहर होती है, वाइड गेंद होती है। लेकिन अगर बैट्समैन आगे पीछे होता है तो अंपायर उस चीज़ को ध्यान में रखता है कि उस गैप को बरकरार रखे। तो अब ये लॉ बन जाएगा कि अगर बैट्समैन आगे या पीछे हो रहा है तो जब वो बॉल छोड़ते वक्त बॉलर से जहाँ पे बैट्समैन की पोजीशन होगी वहाँ से काउंट होगा। ठीक है, तो एक ये एक और तीसरा रूल है जो कि चेंज हो जाएगा 1 अक्टूबर से। भाई अगला रूल जो चेंज होने वाला है वो है अनफेयर मूवमेंट बाय द फील्डिंग साइड। तो ये अभी हमने बैट्समैन और बॉलर्स के कुछ रूल्स थे जो कि चेंज होते हुए हमने जिसके बारे में चर्चा करी, लेकिन ये है एक फील्डर से रिलेटेड रूल जो कि 1 अक्टूबर से चेंज हो जाएगा। तो सर, इसमें क्या होने वाला है? इसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ऐसा है कि जो बॉलर बॉल डाल रहा है उसके बीच में प्लेयर अगर कोई चेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन, तो ये बैट्समैन के लिए अनफेयर है, क्योंकि वो अपना गार्ड लेने से पहले अपने फील्ड चेक करता है कहाँ पे कौन से फील्डर्स हैं, तो कुछ फील्डर्स थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं, तो जो करीबी फील्डर हैं वो अपने साइड चेंज नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसा करते हैं तो उनको 5 रन का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। 5 रन का? बिल्कुल। तो मतलब कि अगर कोई भी किसी बॉलर ने बॉल डाल दी है और बैट्समैन ने उसी टाइम पे वो बॉल खेल ली है और उसी टाइम पे फील्डिंग में चेंज आ गया, तो अगर एशिया कप के बाद वो T20 वर्ल्ड कप में ऐसा होगा तो 5 रनों का भुगतान आपको भरना पड़ेगा। तो इस रूल का आप लोग खासा ध्यान रखें। वही दूसरी मैंकडिंग की, अभी हम कुछ देर पहले इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ये भी लॉ जो है वो 1 अक्टूबर से बदल जाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, इसका रविचंद्रन अश्विन को आपको शेयर देना चाहिए, IPL में उन्होंने से दोबारा से वापस लेके आए थे जब उन्होंने जोस बटलर को आउट किया था, तो उसके बाद से बॉलर सब काफ़ी करते हैं, ध्यान देते हैं कि भाई जो नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन है तो वो क्रीज से बाहर ना जाए। तो अब इसको ICC ने, पहले भी रूल था ये कि रनआउट तो होता था पर इसको आप क्या कहते हैं खेल के अच्छे नियमों में नहीं मानते थे, तो इसको खराब खेल माना जाता था, पर ICC ने क्लियर कर दिया है, MCC ने क्लियर कर दिया है
कि अगर बैट्समैन पहले ही बॉलर के बॉल फेंकने से पहले क्रीज टाप रहा है तो वो रनआउट माना जाएगा। तो मतलब कि अगर आप बॉलर जो है वो बॉल एक्शन पर है, एक्शन कर दिया, उसने बॉल फेंक दी है, उसके बाद ही जो भी रनर जो है दूसरे एंड पर है उसके बाद ही वो टुवर्ड्स द अदर क्रीज जो है वो भाग सकता है। बिल्कुल, वो अपनी क्रीज तभी छोड़ेगा जब बॉलर के हाथ से बॉल छूट चुका है। ठीक है, और ये सही भी रूल है। अगर बॉलर एक इंच अपना पैर टापता है तो आप उसे नोबल कर देते हैं। बिल्कुल, तो बैट्समैन के पास इतना एडवांटेज क्यों हो कि वो 6 फुट 8 फुट आगे निकल जाए। बिल्कुल, या कुछ फुट आगे निकल जाए। बिल्कुल, तो ये आईपीएल की देन है कि ये जो मैंकडिंग रूल जो है वो 1 अक्टूबर से अब लागू हो जाएगा। भाई आखिरी रूल जो चेंज होने वाला है वो है स्ट्राइकर्स राइट टू प्ले द बॉल। तो अरुण सर, इसका क्या मतलब है? इस रूल चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, क्रिकेट में क्या बदलाव हमें देखने को मिलेगा? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बॉलरों से हाथ बॉल हाथ से छूट जाता है। तो आप पिच देखते हैं, अच्छा खासा लंबा चौड़ा पिच होता है, अगर बॉल उसके बाहर गिर रहा है तो वो नोबल काउंट होता है। और अभी क्या था कि जब इतना बाहर बॉल चले जाता है तो उसे बैट्समैन खेलने के लिए कहीं दूर तक भी आ जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये है कि अगर बैट्समैन को ऐसी बॉल को शॉट खेलना है तो उसको ये मान लीजिए ये पिच है, इस दायरे के अंदर रहना होगा, तो उसका कोई ना कोई पार्ट यहाँ टच रहना चाहिए, उसके बाद अगर वो शॉट खेलता है तो उसको काउंट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। नहीं किया जाएगा, मतलब कि पिच के अंदर अगर बैट्समैन ने उस बॉल को खेला तभी उसे काउंट किया जाएगा। हालांकि बॉल अगर पिच के बाहर भी गिरी है उसे पिच के अंदर से ही उस बॉल को बैट्समैन को इस दायरे के अंदर रहना है। ये जो 22 गज की पट्टी बना रखी है ना, उसी में कहीं ना कहीं उसको अपने आप को एक भाग टच रखना है, तब वो शॉट काउंट होगा। तो ये थे कुछ रूल्स जो कि 1 अक्टूबर से इंटरनेशनली क्रिकेट में चेंज हो जाएंगे। वहीं क्रिकेट रूल्स और क्रिकेट से जुड़ी और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट india.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। साथ साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।